तो शाम हो गई, प्रॉब्लम हो गई। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है शानवास और आप देख रहे हो शान 46 व्लॉग्स। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये आज का वीडियो किस टॉपिक पे बेस है। हम लोग बेसिकली दो मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी कर रहे हैं हम लोग, एक मोबाइल के साथ और एक गोप्रो के साथ। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में यूजेस किस किस चीज का होता है, वो हम लोग इसमें बताएंगे वीडियो में हमारे माध्यम से। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो वीडियो पूरी देख के जाओ। हमारे पास जैसे दो हेलमेट, दोनों हेलमेट अवेलेबल होने के बाद हमारे पास ये गोप्रो, एक इधर माउंट, एक हेलमेट में माउंट होगा और एक फोन। गोप्रो के लिए क्या क्या यूज होगा जब मोटो व्लॉगिंग करने तो क्या क्या जरूरत है वो बताएंगे हम लोग। और फोन यूज जब करोगे माउंट मोटो व्लॉगिंग के लिए तो फोन में क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको वो बताएंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे को हेलमेट में माउंट करने के लिए ये माउंटिंग होल्डर चाहिए जो हम लोग ने लिया है। ये कुछ ऑलमोस्ट हम लोग को 650 रुपये का पड़ा है। ये सबसे पहले ये चाहिए। हम लोग हेलमेट को खोलते हैं और उसके अंदर ये माउंट करते आपको दिखाते हैं। तो अब ये हेलमेट में हम लोग के पास देखो एक्सोर का हेलमेट है। हम लोग एक्सोर का लिए ये माउंट करता हूँ। ये माउंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक दो तरीके होते हैं। एक नॉर्मली आप एमसील लगा के लगा सकते हो, बट हम लोग का हेलमेट भी खराब नहीं करना, इसलिए हम लोग ने ये लिए माउंट करने के लिए कि इससे हमारा हेलमेट भी सेफ रहेगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हमको कभी प्रॉब्लम हो तो हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। तो इसको माउंट करने का तरीका कैसा है, तो बेसिकली ये इसके अंदर ये दो जाएगा, और हम लोग ने इसको इधर से कट करवा के लिए, कट करा के इसलिए लिए क्योंकि ये जाएगा इसके अंदर से तो सेफ रहता है, थोड़ा इसके अंदर से जाएगा तो, अदरवाइज अगर इसके ऊपर से लो तो प्रॉब्लम होती है, ये निकलने के चांसेस रहता है। जैसे अभी ये कैसा पूरा लगा हुआ है हमारा, ये माउंट हो गया। ये 1600 ग्राम का हेलमेट है, देख रहा हूँ इसलिए तो लो तो सब चीज़ अच्छी क्वालिटी का थोड़ा लो। अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप वन टाइम, तो उसमें एक्शन प्रो का आता है, जो इंडियन कंपनी एक्शन प्रो का आता है वो ऐसे ही निकल जाता है, उसको ऐसा करोगे तो निकल जाता है उसका जेब। तो ये देखो नहीं निकल रहा है। ओके, अभी इसमें हम लोग फोन वाला सेटअप रेडी करेंगे। जैसे हम लोग ने ये माउंट लगा दिया है, अब ये माउंट लगाने के बाद हम लोग इसके अंदर अभी जो सेटअप इसके ये हेलमेट में रेडी करने वाले हैं, इसमें हम लोग फ़ोन का सेटअप रेडी करने वाले हैं। तो फ़ोन का सेटअप रेडी करने के लिए हमको सिर्फ तीन चीज़ की ज़रूरत है, एक ये, दूसरा ये लगा लो या ये लगा लो, बाकी सब कुछ नहीं। या तो आप ये ले सकते हो, इससे बेटर है कि आप ये लो, 200 रुपये का समथिंग कुछ आता है, और ये 80-100 रुपये का ये आता है। दो हो गया, और ये जे हुक और ये तो इसके अंदर ही है, तो ये दो हो गया। और एक माइक ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी लगाए हुए इसके अंदर। तो ये कैसा थोड़ा मेहनत है, जैसे महंगा वाला थोड़ा हेलमेट लो आप तो यही आपका प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर चले जाता है। इसके अंदर से हम लोग ने इंस्टॉल किया हुआ है, देखो ये यहाँ से देख लो, ये माइक है। तो बस तीन चीज़ और चौथी चीज़ आपको सिर्फ फ़ोन चाहिए जो ये है। तो अभी हम लोग ये सेटअप रेडी करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या। पहले आपका जे हुक लगा हुआ है, जे हुक के बाद आपको ये लगाना है, जे हुक ऑलरेडी लगा हुआ है, ये लेना है हमको, ये लगाया हमने, लगाने के बाद ये फिट किया। ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमको ये इंस्टॉल करना है, अदरवाइज जैसे ये आप निकाल के भी ऐसा खाली एक ऐसा भी आता है आप ले सकते हो। जैसा कि
ये हमारा रेडी हो गया है। तो ये हमारा सेटअप हो गया रेडी। यहाँ से हमने माइक इंस्टॉल किया। ये एक सेटअप हमारा फाइनली रेडी हो चुका है। अभी दूसरा सेटअप हम लोग गोप्रो वाला रेडी करते हैं और फिर दोनों की टेस्टिंग करेंगे। कौन सा आपको बेटर दिखता है वॉइस एंड व्यू क्वालिटी में आप बताना वीडियो। तो अभी हम लोग GoPro 9 का सेटअप रेडी करेंगे। अभी तो GoPro 11 भी आ गया है मार्केट में, तो एक बैटरी GoPro और केस और इसका ये अडेप्टर, ये माइक अडेप्टर थोड़ा कॉस्टली रहता है, या तो आप मीडिया मोड यूज़ कर सकते हो। अगर ये माइक अडेप्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको एक केस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं, ये तो मीडिया मोड भी यूज़ कर सकते हो आप। और ये चीज़ 1, 2, 3, ये तीन चीज और एक माइक, 4 चीज और अपना हेलमेट के अंदर माउंट, बस हेलमेट माउंट, बस ये चीज चाहिए मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। माइक तो ऑलरेडी इसमें भी इंस्टॉल है। माइक हम लोग ने माउना का यूज़ किया, ये वाला तो हम लोग को 500 का कुछ मिला था। ये अभी इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग, इसके अंदर फटाफट रेडी करते और आपको बताते। ये केस में GoPro डालने के लिए हमको ये वाला, ये नॉर्मली यू, ये निकल गया। ये निकालने के बाद ही इसके अंदर ये जाएगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोग करते हैं। फिर ये बैटरी, इसमें ऑलरेडी हम लोग ने मेमोरी कार्ड 128 GB डाल के रखा हुआ है। स्ट्रीम, ये बैटरी गया, बैटरी जाने के बाद ये जैसे ऐसा ये ओपन होने के बाद ये इसके अंदर कैमरा गया। कैमरा जाने के बाद क्लोज करो, यहाँ से ओपन हुआ। अभी अडेप्टर मेन इधर लगेगा, जो इसका चार्जिंग पॉइंट है एक ही दिया है। ये अडेप्टर गया, अडेप्टर मेन हमारे को यूज करना पड़ता है क्योंकि वॉइस क्वालिटी अच्छी चाहिए रहती है इसलिए। अदरवाइज ऐसे भी इसका अगर नॉर्मल आपको व्लॉगिंग करना है जैसे, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है अडेप्टर की। नॉर्मल व्लॉगिंग ऐसा इसकी वजह से भी हो जाता है अच्छा खासा। जो मैंने अब तक का नॉर्मल व्लॉगिंग किया है तो इसकी वजह से मैं अच्छा वॉइस मिला है मुझे। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट हो गया, ये जे हुक ने इंस्टॉल किया। अभी ये नॉर्मल हम लोग अगर इसको ऐसा लगाएंगे तो ये ज्यादा मतलब छिटक जाता है, जो व्यू जो अंदर से हम लोग को कुछ यूज़ करना है अदरवाइज तो उतना यूज़ नहीं होता। तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सटेंड करने के लिए थोड़ा बढ़ाने के लिए ये लिया है। तभी
हमने लगाया अभी फाइनल स्टेप। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब इसको इजी जैसे थोड़ा बहुत हिलता है तो इसको टाइट करने के लिए आप एक्स्ट्रा जो स्ट्रैप्स आते हैं तो वो ऐसा करके लगा सकते हो जो और मजबूती मतलब दे सकते हो उसको। तो ये हम लगाएंगे बाद में, तो फिलहाल ये देखो ऐसा। अब ये माइक हमें लगाने के लिए जो है तो उसके लिए हमको ये 2 पिन वाला चाहिए, ये 3 पिन वाला सूट मतलब सपोर्ट नहीं करता है। तो ये 3 पिन वाला सपोर्ट नहीं करता, 3 पिन वाला सपोर्ट नहीं करता है, तो हमको 2 पिन वाला चाहिए जो ऑलरेडी वो माउनर के साथ आता है। तो फाइनली हमारा दोनों सेटअप रेडी हो गया है। देखो जैसे ये एक हेलमेट GoPro के सेटअप के साथ और दूसरा फोन के सेटअप के साथ। तो अभी दोनों की एक टेस्टिंग भी करेंगे, एक छोटे से मतलब राइड करके देखेंगे वॉइस और वीडियो क्वालिटी। ये टेस्टिंग अभी वाइजर ओपन है और कैसे वीडियो और वॉइस क्वालिटी आ रही है आप देख सकते हो और बताओ अच्छी आ रही है या नहीं। थोड़ा ये ट्रैफिक से हटेंगे तो हम खाली रोड पे थोड़ा भगा के देखेंगे वाइजर बंद करके कि किस तरह क्वालिटी आ रही है। ये शुभम आगे जा चुका है तो शुभम अभी फ़ोन वाला यूज़ कर रहा है और ये हेलमेट में GoPro लगा हुआ है तो देखेंगे दोनों के एंगल्स कैसे हैं बराबर 1 get 1 1 1 2 करके। अभी मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ, वाइज़र बंद करके विंड ब्लास्ट कितना कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा आप देख सकते, देखो और बताओ कमेंट करो। तो जैसा मैंने बताया माइक मानो का है 500 रुपये का है, अभी तो जब भी मैं लिया था 500 रुपये का था, अभी तो सस्ता हो गया है, अभी तो कुछ 350 रुपये का हो गया समथिंग। और GoPro 9 यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी तो, मार्केट में GoPro 11 भी आ गया है। ये वीडियो बनाने का मकसद बस ये था कि हम बता रहे थे कि आप लोग के पास हमारे पास मतलब आप लोग को कि हमारे पास ये सेटअप है और ये सेटअप से हम लोग मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। GoPro 9 तो हमारे पास बहुत पहले से था, हम लोग ऐसे घूमने जाते थे तो नॉर्मल वीडियोस जो आपने देखे होंगे 6 महीना पहले 5 महीना पहले हमने डाला हो यूट्यूब पे ही बनाते थे। अभी एक इंटरेस्ट है मोटो ब्लॉगिंग करने का तो इसलिए हम लोग ने एडेप्टर्स वगैरह बाय किया और सेटअप रेडी किया मोटो ब्लॉगिंग का। आई होप आपको इन फ्यूचर अच्छी अच्छी वीडियोज़ और पता चलेगी। तो शाम हो गई, प्रॉब्लम हो गई, लेट निकला, लेट हो गया आने में, तो मोबाइल की क्वालिटी तो थोड़ी डल होना ही है क्योंकि रात होते ही थोड़ा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है फ़ोन में। तो अभी जो ये क्लिप देख रहे हो आप ये फ़ोन की है कि फ़ोन लगाने के बाद आप मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तो कैसा दिख रहा है देख सकते हो आप। थोड़ा एंगल्स का प्रॉब्लम होता है बट ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आपको ये ठीक है, अगर आप धीरे धीरे जब ग्रोइंग करोगे ग्रोथ होने के बाद आप मतलब इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। जैसे मैंने तो नॉर्मल GoPro लिया था हमारे पास जब हम लोग घूमने फिरने जाते, इसलिए मैंने खाली इसके ऊपर के एक्स्ट्रा सेटअप्स लिए जैसे अडेप्टर्स ये सब, अदरवाइज तो मैं भी तो नहीं तो स्टार्ट करता अगर मोटो ब्लॉगिंग तो फ़ोन से ही करता। बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपको भी स्टार्ट करना है, देखो मोबाइल से अगर मोटो ब्लॉगिंग करना है तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग में ही बेस्ट है, मॉर्निंग आफ्टरनून तक, इवनिंग तक का वो उसका ड्रॉपबैक है कि नॉर्मली क्या होता है जब उसका वाइड एंगल जब उसका यूज़ करते तो प्रॉब्लम होता है। आई होप आपको ये वीडियो कंपैरिजन्स पसंद आया होगा फ़ोन का और GoPro का। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
सपोर्ट दिखा आपके चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।